हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण पाल और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में स्पीडोमीटर कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल की एक शीट ओपन की हुई है, वर्कबुक, जिसमें शीट में कुछ डेटा मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, टाइप किया हुआ है, जिसमें मैंने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर स्पीडोमीटर के स्टार्ट पॉइंट, इनिशियल, मिडिल, एंड एंड मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पर मैंने दे रखी हैं। और पॉइंटर डेटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें वैल्यू हमने दे रखी है। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बाद में हम आपको बताएंगे यहाँ पे किस तरह से चेंज करके और स्पीडोमीटर आप बना सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर साइज, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंटर जो आप बनाएंगे स्पीडोमीटर में, उसका साइज यहाँ पर इस वैल्यू से इंडिकेट करेंगे। और एंड पॉइंट वैल्यू जो रहेगी वो, यानी कि इन तीनों का टोटल जो आना चाहिए वो 200 होना चाहिए। अगर यहाँ पर इन सब का टोटल करेंगे तो इनका भी आपको 200 शो करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पीडोमीटर बनाने के लिए फर्स्ट के टू कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप पाई चार्ट में जाएंगे, ऑल चार्ट टैब में। वहाँ पर आपको सर्च करना है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ये चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऊपर इसको रीनेम कर देते हैं, स्पीडोमीटर, स्पीडो मीटर, ठीक है। इसके बाद इस चार्ट को हमें मीटर की शेप में लेकर के आना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा सीरीज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट करना है मीटर की शेप में। यहाँ से इसे 270 तक लेकर के हमें आना है यहाँ पर, ठीक है। 270 पे यहाँ पे कर दिया इस तरह से, ठीक है। इसमें कलर फिल करेंगे, तो सबसे पहले हम नीचे का कलर इसमें रिमूव करना पड़ेगा हमें, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिल में जा करके यहाँ पर नो फिल कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इनिशियल जो पॉइंट है हमारा, इसका कलर हमें रेड करना है प्रॉपर। अभी मैरून दिया हुआ है इसमें, तो फिल्म में जाने के बाद यहाँ पर रेड कर देंगे। सेकंड, ये येलो कलर से करना है, तो इसको येलो कलर फिल कर देंगे। और लास्ट वन, इसे ग्रीन कलर में यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ से हमने ग्रीन कलर ले लिया। देन अब आपका स्पीडोमीटर का लगभग 50% काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसी के ऊपर एक दूसरा चार्ट बनाना है। चलिए डिजाइन में जाएंगे और सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, देन ऐड डेटा पे क्लिक करना है आपको। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट इसमें सीरीज में रेंज में आपको यहाँ पर पॉइंटर डेटा लेना है, एंड सेकेंड रेंज यहाँ पर जो लेंगे वो आप वैल्यूज की लेंगे। तीनों वैल्यूज यहाँ पर आप ले लेंगे, देन ओके, ठीक है। अब इस तरह से ये भी एक पहले वाले की तरह डोनट चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, लेकिन हमें इस चार्ट से केवल नीडल प्रिपेयर करनी है। इसकी जो नीडल बनेगी केवल वो इस चार्ट से हम बनाएंगे। तो इस चार्ट को सबसे पहले हमें पाई चार्ट में कन्वर्ट करना होगा। इस चार्ट पे बाहर वाले पे क्लिक करेंगे, बाहर वाला एरिया केवल हमें सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। राइट क्लिक करेंगे और चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद आपको इसमें पाई चार्ट में इसे चेंज कर देना है, क्लियर। इसके बाद इस चार्ट पर आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे, और इसको भी यहाँ पर हमें 270 वैल्यूज देनी है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले डोनर चार्ट में दी थी। यहाँ पर सेकेंडरी में यहाँ पर 270 कर देते हैं, देन क्लोज। अब ये इस तरह से शो करने लगा है, ठीक है। अब इसका हमें कलर रिमूव करना है, केवल नीडल प्रिपेयर करनी है इससे। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ग्रीन वाले एरिया में और यहाँ पर नो फिल कर देंगे इसे। ब्लू वाले एरिया में क्लिक करने के बाद इसे भी नो फिल कर देंगे यहाँ से, और नीडल हमारी इस तरह से ये बन गई। इसको हम ब्लैक कलर में फिल कर देंगे। ब्लैक कलर यहाँ से ले लिया है और इसी पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका डेटा लेबल, ऐड डेटा लेबल क्लिक करेंगे, तो ये डेटा इसका जो पॉइंटर की जो लोकेशन होगी वो यहाँ से शो करने लगेगा। यहाँ पर डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज पर इक्वल टू, और यहाँ से ये वैल्यू हमें यहाँ पर शो करनी है। एग्जैक्ट लोकेशन हमें इस वैल्यू से पता चलेगी।
ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ट आपका मूवमेंट करने लगेगा। सॉरी, ये पॉइंटर साइज है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये नीडिल का साइज है। अगर यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा देते हैं तो ये नीडिल क्या होगी, यहाँ पर मोटी हो जाएगी। तो हमें इसका साइज एज इट इज 2 या 1 पे रखना है, देन हमें ये वैल्यू चेंज करेंगे तो आपका स्पीडोमीटर यहाँ से वर्क करेगा। 20 की जगह हम 30 कर देते हैं तो 30 पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, यहाँ पर हम 45 कर देते हैं या फिर इसमें 95 कर देते हैं या फिर 99, ये लास्ट तक 100 हमने लास्ट वैल्यू उसकी क्या दी हुई है 100, तो ये 100 तक की वैल्यू उसमें आप टाइप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 टाइप करेंगे यहाँ पर, ये रेड में शो करने लगेगा। तो इस तरह से आप एमएस एक्सेल की सहायता से स्पीडोमीटर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।